नो रूल रूल, रीड हेस्टिंग्स जो कि नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, उनका एक इंटरव्यू है। बेसिकली ये उसकी समरी है 3 पॉइंट्स में, 3 लेसन्स बेसिकली जो कि हम सीख सकते हैं रीड हेस्टिंग्स से। रीड हेस्टिंग्स नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं। नेटफ्लिक्स की जो हिस्ट्री है ये बड़ी मशहूर है, एक बहुत मशहूर वाक्य है। नेटफ्लिक्स के जो सीईओ है रीड हेस्टिंग्स, इन्होंने विजिट किया ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के सीईओ को, उनके पास ऑफिस में गए अपने एक पार्टनर के साथ, उनको एक ऑफर की कि आप नेटफ्लिक्स को ख़रीद लें, नेटफ्लिक्स को आप $50 मिलियन में ख़रीद लें। देखिए ब्लॉकबस्टर की जो कंपनी है वो उस टाइम बहुत बड़ी कंपनी थी, $6 बिलियन उनकी वर्थ थी उस टाइम, और उनके 9000 स्टोर्स थे वर्ल्ड वाइड, तो बहुत बड़ी कंपनी थी। और जो नेटफ्लिक्स थे उसके ऑनर, उन्होंने विजिट किया अपने पार्टनर के साथ, ऑफर की कि $50 मिलियन में हमारी कंपनी को ख़रीद लें नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स को। और इसके अलावा जो है रीड हेस्टिंग्स और उनका पार्टनर जो है वो ब्लॉकबस्टर्स के लिए उनका ऑनलाइन जो बिजनेस है उनका ब्लॉकबस्टर का, वो उसको रन करेंगे रीड हेस्टिंग्स और उसका पार्टनर। लेकिन ब्लॉकबस्टर ने ऑफर टुकरा दी, और ब्लॉकबस्टर के सीईओ जो है उस टाइम उन्होंने मुस्कुराया और ऑफर को टुकरा दी। लेकिन ब्लॉकबस्टर अभी उसका नाम भी नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है पूरी दुनिया पर छाया हुआ टॉप रेटेड कंपनी है। बेसिकली रीड हेस्टिंग्स कहते हैं कि उनकी कंपनी की सक्सेस की एक वजह तो ये है कि उनका जो एटमॉस्फेयर कंपनी का वो बहुत ओपन है। तो जैसे कि मीटिंग्स होती है तो कोई आम एम्प्लॉई भी अपने सुपरवाइजर को उसके फैसले को चैलेंज कर सकता है, उसको डिनाई कर सकता है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो नेटफ्लिक्स है वो एक टॉप कंपनीज की लिस्ट में आता है, लाइक नेटफ्लिक्स, गूगल, ऐसी कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड देते हैं, बिल्कुल फ्री कल्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज हो। दूसरा लेसन जो रीड हेस्टिंग्स के इंटरव्यू से सीखा जा सकता है वो ये कि रीड हेस्टिंग्स कहते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ टैलेंट है वो ज़रूरी होता है, और जो गैर ज़रूरी पॉलिसी से उनको तर्क करना चाहिए और टैलेंट के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो लेसन हम सीख सकते हैं रीड हेस्टिंग्स से, बकवाल रीड हेस्टिंग्स के, टैलेंट को ढूंढना ये टाइम कंज्यूमिंग तो हो सकता है, लेकिन ये उस बात से ज़्यादा बेहतर है कि आप 4 ऐसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दें जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी है, और 1 ऐसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दें जो कि मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। ही इज़ नॉट जस्ट ओके विद हिज जॉब, ही इज़ परफेक्ट फॉर द जॉब। सो बेसिकली रीड हेस्टिंग्स जो है वो क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता, वो क्वालिटी पे बिलीव करता है। उनके एम्प्लॉयज़ टॉप होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, और लाइक सुपर इंटेलिजेंट कह सकते हैं आप, यूँ समझ लें कि वो जस्ट ए ग्रेड्स वालों को अपनी कंपनी में रखते हैं, बाकी जो नीचे वाले ग्रेड्स हैं उनको अपनी कंपनी में नहीं रखते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल अप्रिशिएट, थैंक यू।